लोहा लगा है या रबर से बना है, सूर्या के बल्ले में कौन सा जादू छिपा है? सूर्या की तूफानी तेवर देख रोने लगा साउथ अफ्रीका। सूर्या की चमक सबसे अलग, कांप गया पूरा क्रिकेट जगत, टूट गया साउथ अफ्रीका का घमंड, मैदान में ही रोने लगे क्लासेन और मिलर। आखिरी 30 गेंदों में सूर्या ने मचाई ऐसी तबाही, मिट्टी में मिल गया मैक्सवेल और रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड। एबी डिविलियर्स ने भी सूर्या को किया सलाम। एक बार फिर से सूर्या ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के सभी गेंदबाज मैदान में ही रोने पर मजबूर हो गए। इस बार सूर्या ऐसा चमका कि सूर्य के चमक में पूरे साउथ अफ्रीका में ही अंधेरा छा गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्या की अजीबो गरीब बल्लेबाजी की वजह से पूरे क्रिकेट जगत में एक नई बहस छिड़ चुकी है। साउथ अफ्रीका वाले सूर्या के बल्ले में लोहा या रबर छुपा होने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब सूर्या के बल्ले में लोहा या रबर छुपा होने का आरोप लग रहे हो। इसके पहले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका वाले भी यादव जी के ऊपर इस तरह का गंदा आरोप लगा चुके हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, मगर सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आखिर उन्हें क्यों T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। तीसरे ओवर में ही शुभमन गिल और तिलक वर्मा ने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हुए आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी भारत की बर्बादी को देखने के बाद मैदान में ही अभी से जीत का जश्न मनाना चालू कर दिए थे। शुरू में ही 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने के बाद स्टेडियम पर बैठे हजारों भारतीय दर्शकों की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। तभी कसम खाकर मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरे मैच में भी भारत के लिए संकट मोचक साबित हुए। इस मैच में सूर्या का अंदाज थोड़ा अलग था। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, सूर्या ने शुरू के 20 गेंदों पर सिर्फ 21 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद सूर्या इतना तेज चमका कि मिलर और क्लासेन जैसे खिलाड़ी भी मैदान में कांपने पर मजबूर हो गए। शुरू के 20 गेंदों पर 21 रन बनाने वाले सूर्या ने आखिरी के 30 गेंदों पर 80 रन पेल डाले थे। सूर्य कुमार यादव के सामने साउथ अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहा था। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्या के सामने किस तरह की गेंदबाजी किया जाए, क्योंकि गेंदबाज जिधर गेंदबाजी करता सूर्य कुमार यादव उधर ही लंबा लंबा छक्का जड़ दे रहे थे। सूर्या मैदान के चारों तरफ छक्के लगा रहे थे। सूर्या का यह जंगली अवतार देखने के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी सूर्या को सलामी देने लगे हैं। सूर्या ने इस मैच में चौकों से ज्यादा छक्कों की बारिश करी थी। इस करो या मरो के मुकाबले में सूर्या ने 178 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 56 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान सूर्या के बल्ले से 8 लंबे छक्के भी देखने को मिले थे और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट में अपना 4था अंतर्राष्ट्रीय शतक भी जड़ दिया है और मैक्सवेल और रोहित शर्मा के महारिकॉर्ड को भी तहस नहस कर दिया। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने 112 इनिंग खेलकर 4 शतक जड़े थे T20 क्रिकेट में, तो वहीं पर रोहित शर्मा ने 148 इनिंग खेलकर 4 शतक जड़े हुए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 57 इनिंग्स में ही 4 शतक जड़ दिए T20 क्रिकेट इतिहास में। आप लोगों को सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत के दिए गए 201 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 95 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी और इस तरह इंडिया ने दूसरा T20 मैच 106 रनों से पूरी तरह से साउथ अफ्रीका को हरा दी।